बहुत बढ़िया मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लगाऊंगी अपनी, लेकिन उसका तो हो गया सत्यानाश पूरा अच्छी तरीके से। जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तो मेरी फर्स्ट जॉब की सैलरी को मैंने सेव किया और उसी सेविंग से फॉर्मल वेलकम के बाद शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह सुबह कर रही हूँ, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। आज है सैटरडे और आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ जालंधर से बटाला के लिए। और आज के ब्लॉग में खास क्या है, खास ये है कि एक तो मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और दूसरा मैं करने वाली हूँ मोटो ब्लॉगिंग। मोटो ब्लॉगिंग जैसे सभी करते हैं वैसे नहीं होगी, मेरी मोटो ब्लॉगिंग जो है वो डिफरेंट रहेगी, वो आप देख लेना ब्लॉग में आगे की कैसी होने वाली है। और बटाला का जो टोटल डिस्टेंस है जलंधर से, एक्चुअली बटाला जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो है वाया ब्यास और दूसरा है वाया श्री हरगोबिंदपुर। ब्यास वाली तरफ से हम यूजुअली जाते हैं, आज मैंने सोचा कि डिफरेंट रूट लेते हैं। आज मैं जाऊंगी श्री हरगोबिंदपुर की तरफ से और वो मुझे डिस्टेंस पड़ेगा नियर अबाउट 90 किलोमीटर, और ब्यास की तरफ से जाए तो डिस्टेंस पड़ता है आई गेस 80, नियर अबाउट 75 और 80 किलोमीटर इतना ही पड़ता है। लेकिन जो ब्यास से आगे सिंगल रोड है बटाला के लिए वो बहुत खराब है, इसलिए मैं उस तरफ से नहीं जा रही हूँ, श्री हरगोबिंदपुर की तरफ से जा रही हूँ, तो मुझे 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तो लगेगा। तो सुबह सुबह उठी थी, 5 बजे उठी, तैयार हो गई हूँ, चाय पी ली है क्योंकि चाय के बिना तो चलना इम्पॉसिबल है। तो चलिए फिर चलते हैं, मोटो ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। वैसे तो मैं रेडी हूँ, अब फटाफट से फेस कवर करने के लिए दुपट्टा बांध लेती हूँ बिकॉज इतनी दूर जाना है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, टैनिंग हो जाएगी, टैनिंग से बचने के लिए दुपट्टा। नेक्स्ट इज हेलमेट। अब कोई मुझे इस हेलमेट के लिए जज नहीं करेगा बिकॉज जो दूसरे वाला हेलमेट है वो मुझे मिल नहीं रहा, तो इसीलिए इसी हेलमेट से काम चलाना पड़ेगा। आई नो दिस हेलमेट इज नॉट सेफ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। आई एम रेडी एंड आई एम एक्साइटेड टू बिकॉज इस टाइप की ब्लॉगिंग ना मैंने पहले कभी नहीं करी है, इसलिए आज बहुत एक्साइटेड हूँ। यार ये वाला हेलमेट जो है ना वो पीके वाली फीलिंग दे रहा है, बस फर्क ये है पीके का हेलमेट जो है ना वो येलो था, ये ब्लैक है। सो मैं ट्रेवल कर रही हूँ आज इस अपनी स्कूटी पे। वैसे इस व्लॉगिंग को बोलेंगे सच में मोटो व्लॉगिंग कहेंगे, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग आएगा इस मोटरसाइकिल पे या बाइक पे नहीं होती, और मैं स्कूटी पे व्लॉग कर रही हूँ तो फिर इसको क्या बोलेंगे, स्कूटी व्लॉगिंग। चलो ना आपकी ना मेरी, हम इसको बोलेंगे दो पहिया व्लॉगिंग। गुड डन। So, आज हम करेंगे दो पहिया व्लॉगिंग, और दो पहिया व्लॉगिंग भी बड़ी डिफरेंट सी व्लॉगिंग होने वाली है। सबसे पहले इसमें डलवाते हैं पेट्रोल, बिकॉज ये ना हो कि पेट्रोल रास्ते में ही ख़त्म हो जाए, तो पहले पेट्रोल पंप जाएंगे उसके बाद शुरुआत करते हैं अपनी व्लॉगिंग की। यार मैं दोपहर के टाइम इसीलिए नहीं निकली कि दोपहर को ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और मैंने सोचा सुबह सुबह चलती हूँ, यार अभी ठंड लग रही है और हल्का हल्का ना फॉगी भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी मेरे पास कुछ और तो है नहीं, बस मैंने ये शर्ट पहनी हुई है। चलो इसके भी फुल स्लीव्स हैं, ये है। हाँ चलते हैं, अभी बस डीएवी यूनिवर्सिटी इसी साइड है, डीएवी यूनिवर्सिटी रह गई अभी 2 किलोमीटर, फिर उसके आगे जाके पेट्रोल पंप आएगा, वहां से पेट्रोल फिल करवाऊंगी मैं। चलो चलते हैं, फिर आगे मिलती हूँ। 2 किलोमीटर का सफर कर लिया मैंने और अब मैं पहुंच गई हूँ डीएवी यूनिवर्सिटी के पास। तो ये रही डीएवी यूनिवर्सिटी, अब दिलवाऊंगी पेट्रोल और उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। पेट्रोल फिल करवा लिया, पूरा टैंक फुल करवा लिया मैंने, कि अभी बहुत लंबा रास्ता है तो रास्ते में मुझे रुकना नहीं पड़ेगा पेट्रोल के लिए, लेकिन हाँ हम लोग रुक रुक के चलेंगे बिकॉज
ये मोटो व्लॉगिंग इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि मैं रुक रुक के चलने वाली हूँ, तो आगे कहाँ पे रुकती हूँ आगे चल के बात करती हूँ, अभी यहाँ से निकलते हैं पहले। रास्ते में गुरुद्वारा साहिब है और मैंने सोचा कि माथा टेक के ही आगे चलती हूँ। चलो आओ पहले माथा टेकते हैं, फिर आगे चल के बात करती हूँ आप लोगों से। बढ़िया सुबह की शुरुआत और हो सकती है। रास्ते में गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन हो गए, माथा टेक लिया, बहुत अच्छा लग रहा है और प्रसाद भी खाने को मिल गया। अभी हो गए हैं सुबह का टाइम, 9 बज गए हैं अभी, और अभी टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं स्लो चल रही हूँ और रास्ते में रुक रुक के चल रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी एक जगह और है रास्ते में, वो भी वहाँ पर भी बड़ा अच्छा व्यू है, वहाँ पर रुकूँगी और फिर आपसे बात करूंगी। फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगी 5-10 मिनट के लिए गुरुद्वारा साहिब में। चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही मजेदार व्यू, देखिए पहले। कर रहे हो मोटो व्लॉगिंग मेरी? वैसे मैंने तो सोचा था बहुत ही बढ़िया वाली मोटो व्लॉगिंग करूंगी, बहुत बढ़िया मोटो व्लॉगिंग सेटअप लगाऊंगी अपनी स्कूटी पे, यहाँ पे कैमरा होल्डर लगाऊंगी, माइक वाइक लूंगी जैसे बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स करते हैं ना, पूरी मोटो व्लॉगिंग एंड प्रोफेशनल तरीके से वैसे करने का सोचा था मैंने, लेकिन उसका तो हो गया सत्यानाश पूरा अच्छी तरीके से। क्योंकि कल मैं गई थी मार्केट अपना सारा ये सामान लेने, फोन होल्डर, मोबाइल होल्डर सो दैट मैं स्कूटी पे फिक्स कर पाऊँ, माइक लेने गई थी, लेकिन कल थी होली और होली की वजह से पूरी मार्केट बंद थी, एक भी शॉप खुली नहीं थी। बस होना क्या था, मेरे मोटो व्लॉगिंग के सपने ऐसे ही रह गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, सामान नहीं मिला, सेटअप नहीं मिला तो क्या मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करूँगी? मोटो व्लॉगिंग नहीं, मैंने सुबह बोला था आपको दोपहिया व्लॉगिंग बोलूंगी मैं इसे, तो मैं दोपहिया व्लॉगिंग नहीं करूंगी, ऐसे तो हो नहीं सकता, सामान ना मिले और मैं अपना ये व्लॉग ना बनाऊं। अपना पूरा रोड ट्रिप जो है 90 किलोमीटर्स का, जो मैं अकेले सोलो ट्रिप कर रही हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ, ये नहीं हो सकता। वैसे ना मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचती बहुत कुछ, सोच में तो मैं पूरी दुनिया घूम आती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन में ना ऐसा हो जाता है, बग्स आ जाते हैं, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर छोटे छोटे बग्स हमें रोक नहीं सकते, हम डीबगिंग कर लेते हैं। सो ये वाली मोटो व्लॉगिंग अच्छी है वैसे, मुझे, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे
लग रहा है कि आप लोगों ने भी ज़रूर इन्जॉय किया होगा, क्योंकि रास्ते में जो जो चीज़ें, एक मिनट ट्रैफिक जाने दो फिर बोलती हूँ, क्योंकि रास्ते में जो जो चीज़ें मैंने देखी वो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को भी दिखाऊँ। हाँ जी दोस्तों, जैसे ही घर के अंदर आई हूँ, आके मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं सो गई, बिकॉज सुबह से जगी हुई थी। सुबह 5 बजे उठ गई थी अर्ली मॉर्निंग, और 90 किलोमीटर्स का ट्रेवल किया मैंने स्कूटी पे। बैक भी हल्की सी पेन होने शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उठ के आपसे मुलाकात करूँगी। तो अभी मैं उठी हूँ और अभी मैंने फ़ोन उठाया आपसे बात करने के लिए। मुझे तो, मैं सच बताऊँ, मुझे इस वाले व्लॉग में बहुत मज़ा आया। हाँ, ये हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें शूट ना कर पाई हूँ, क्योंकि मैं नेचर को एंजॉय करना चाहती थी, मैं इस ट्रिप को एंजॉय करना चाहती थी। सो इस वजह से कुछ चीज़ें हो सकता है कि रह गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश पूरी की है कि जो चीज़ें मैंने देखी नेचर ही थी बेसिकली, और था क्या रोड ट्रिप पे। हाँ जी, गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा मुझे सुबह सुबह। और सोलो ट्रैवल का ना एक सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या होता है, ये होता है कि आप कहीं पे भी रुक सकते हो और चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो, व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो। जितना टाइम आप चाहते हो एक जगह पर रुकना, आप आराम से रुक सकते हो। मेरे हिसाब से ना अकेले भी पर्सन को कभी ना कभी बाहर निकलना चाहिए, अपने साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और एंड आई होप, मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा इस व्लॉग में। तो अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो प्लीज़, मेहनत बहुत करी है मैंने, सही में बहुत मेहनत की है। व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना एंड वीडियो को शेयर कर लो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच पाए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का रोड ट्रिप मेरे साथ आपको कैसा लगा। और आज का व्लॉग फिर यहीं तक रखते हैं, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, और बाय बाय। मैं और मेरी स्कूटी, हम दोनों साथ में करेंगे। ये स्कूटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये बता दूं जाते जाते, ये स्कूटी मेरे लिए गला, ये स्कूटी मेरे लिए एक्चुअली इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसको मैंने खुद बाय की है। जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तो मेरी फर्स्ट जॉब की सैलरी को मैंने सेव किया, और उसी सेविंग से मैंने ये वाली स्कूटी बाय करी है। तो इसलिए इसके साथ कुछ ज़्यादा ही मेरी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, और जब भी मेरा दिल करता होता है ना ऐसे मार्केट जाना या कहीं पे लोकल जाना, तो इसी स्कूटी पे जाती हूँ। ऑल्दो पापा के पास स्कूटी है, मैं वो कम चलाती हूँ, इसको ज़्यादा चलाती हूँ, क्योंकि वो होता है ना कि जब आप खुद कमाना शुरू कर देते हो और अपनी कमाई से कुछ चीज़ें बाय करते हो, फिर आपको एक्चुअल में ना वैल्यू पता चलती है, हाँ चीज़ों की वैल्यू क्या है। पहले तो हम मॉम डैड के सिर पे बड़ी ऐश कर लेते हैं, लेकिन जब खुद कमाते हैं, खुद स्पेंड करते हैं वैसे, फिर पता चलता है। तो इसी वजह से इस स्कूटी के साथ इमोशनली अटैच्ड हूँ मैं, इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत हैं। अभी का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड लाइफ।